को तक पहुंचा दें, जहां पर एक गार्ड की मौके पर मौत हो गई है। कोटा से बड़ी और अहम जानकारी, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गार्डों पर हमले का मामला सामने आया। अस्पताल में उपचार के दौरान एक गार्ड की मौत हो गई है। मेडिकल कॉलेज में गार्डों के ऊपर हमले का मामला सामने आया, जिसमें एक गार्ड की उपचार के दौरान मौत हो गई है। कोटा से बड़ी और अहम जानकारी, महावीर नगर थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गार्डों पर हमले का मामला, जिसमें अस्पताल में उपचार के दौरान एक गार्ड की मौत हो गई। रामकरण और अन्य गार्डों पर बदमाशों ने हमला किया था। और कोटा से हमारे संवाददाता हरिराज सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरिराज, क्या है ये पूरा मामला? मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गार्डों पर किस तरीके का हमला किया गया और अस्पताल में उपचार के दौरान एक गार्ड की मौत भी हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, ये गंभीर मामला है। और 3 दिन पहले ही मेडिकल कॉलेज में जो अस्पताल द्वारा जो अज्ञात व्यक्ति द्वारा जो चाकू से हमला किया था एक गार्ड की, पहले एक जो तंबाकू जो उसको मना करने के विरोध जो कुछ गार्डों ने मना किया था, जो उसमें 3 गार्डों पे चाकू से हमला किया था। अब उसके एक गार्ड उसकी आज अभी उसकी मौत हो गई है। और डीएसपी मनीष शर्मा ने ये जानकारी दी है। महावीर नगर थाना पुलिस इस मामले की जांच भी कर रही है। प्रियंका, हरिराज, कौन था आरोपी? पुलिस का इस मामले पर क्या कहना है? बाकी ये डीएसपी मनीष शर्मा ने यही जानकारी दी है। बाकी जो वहाँ के जो मेडिकल कॉलेज में जो सीसीटीवी लगे थे वहाँ पे नहीं लगे थे। बाकी जो मेन जो मेडिकल कॉलेज के बाहर जो वहाँ पे सीसीटीवी लगाना उचित होता है, बाकी वहाँ नहीं था। बाकी इसी को लेकर पुलिस जो अपराधियों को पकड़ने में नाखुश है। अब सभी डीएसपी द्वारा सभी जो इलाकों में मतलब टीम गठित करके और सभी ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद हरिराज इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोटा से बड़ी और अहम जानकारी सभी दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं।